नमस्कार, होलसम टेल्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मेरी सेहत वाली कहानी में की अगली सीरीज में हम लोग लेकर आए हैं और हमारे साथ आज जुड़े हैं सोलंकी जी। तो सोलंकी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है होलसम टेल्स में। थैंक यू सर। तो मैं आप सोलंकी जी, थोड़ा सा ऐसा कीजिए कि आप अपने बारे में बताएं कि आपकी एज कितनी है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, क्या करते हैं आप? सर, पहले तो मैं आपका आपको अभिनंदन करता हूँ। आपने जो इंग्लिश में खादर सर का और विश्वरूप सर का जो वीडियो था, उसको हिंदी में डबिंग करके हमें गुरु के रूप में जो प्रेरणा दी है, इसलिए मैं आपको दिल से धन्यवाद करता हूँ। और मैं गिर सोमनाथ से हूँ, गुजरात में गिर सोमनाथ से हूँ, और मेरा गांव का नाम है आद्री। मैं आद्री में रहता हूँ और मुझे शुगर का प्रॉब्लम था और मैं कहीं सारी गोलियां ले रहा था। मैंने जी विश्वरूप रॉय चौधरी की डीआई की डाइट की शुरुआत की। उस डीआईपी डाइट से मैंने तीन तीन महीने में सारे के सारी गोली छोड़ दी है और मैं अच्छा पूरी तरह से स्वस्थ हो चुका हूं और मुझे अब कोई अच्छा भी दिक्कत नहीं है। तो आपने आपने बताया कि आपने डीआईपी डाइट जो है वो ली थी 3 महीने, है ना? हाँ, अच्छा, और थोड़ा सा ये भी बताएं सोलंकी जी कि ये डाइट शुरू करने से पहले आपकी क्या डाइट थी, उससे पहले आप किस तरह का खाना खाते थे, क्या आपकी दिनचर्या थी? सर पहले तो हमें गेहूं और चावल मिलता था और जो बाजरा है उसकी रोटी वो खाते थे हम। डीआईपी डाइट के बाद आपने क्या क्या बदलाव किए उसमें, थोड़ा उस बारे में बताएं जी। सर मैंने पहले तो मिल्क प्रोडक्ट को छोड़ दिया और फास्ट फूड को छोड़ दिया। इसके बाद मैंने यह डीआईपी डाइट की पहले तो मैंने साल स्लाट की शुरुआत की ही 1 महीने तक, और इसमें मेरा बीपी 120 आ गया। इसके बाद मैंने फ्रूट साथ में फ्रूट की भी शुरुआत कर दी और मैंने गोलियां बंद की। इसमें 3 महीने में मेरी सारे की सारी गोली छूट गई है और अच्छा फील हो रहा है, अच्छा महसूस हो रहा है। तो आप हमारे व्यूअर्स को ये बताएं सोलंकी जी कि डीआईपी डाइट में कई बार लोग थोड़ा बहुत अपना बदलाव कर लेते हैं, तो थोड़ा हमें ये बताइए कि आपने जो डीआईपी डाइट जब शुरू की तो आप सुबह क्या लेते थे, दोपहर में क्या लेते थे और रात में क्या लेते थे अपनी डाइट में, थोड़ा सा उसमें थोड़ा विस्तार से बताएं जी। पहले तो सर हम सुबह में चाय भी ले लेते थे और दो दोपहर को जो खाने में हम ये सारे के सारे बाजरा की रोटी है वो सब खा लिया करते थे। मगर आपके माध्यम से जब हमें मिलेट का पता चला तो इस डीआईपी डाइट के साथ हमने मिलेट का यूज किया और अच्छा, इससे मुझे बहुत में हेल्दी हो गया। हमें यहाँ गांव में रहते हैं फ्रूट नहीं मिल सकता। तीन चार प्रकार का फ्रूट कभी कभी मिलता है मगर नहीं मिल सकता। और जी, जो कच्ची सब्जी भी एक दो प्रकार की मिलती थी वही खाते थे। तो इसमें हमें जो विश्वरूप सर ने बताई है ना, टॉयलेट टू टेबल वाली कसरत, वो वॉकिंग करने के बाद जी, वीटनेस आ रही थी। मगर आपका जब हमने वीडियो देखा, आपने मिलेट के बारे में बताया, तो मिलेट एक फ्रूट का ही काम करता है और अच्छा महसूस हुआ। जब मिलेट हमने लिया तब से बहुत अच्छा महसूस हुआ है। और इसके साथ फ्रूट फ्रूट के साथ ये भी मिलेट का ही हमने शुरुआत कर दी है। हमने गेहूं छोड़ दिया है, चावल छोड़ दिया है, मिल्क प्रोडक्ट छोड़ दी है और फास्ट फूड छोड़ दिया है सर। अच्छा, जी बड़ा अच्छा लगा जानकर कि आपने तो आप प्लेट 2 में आप मिलेट लेते होंगे, है ना? हाँ, प्लेट 2 में मिलेट।
जी। तो इसमें ये बताएं सोलंकी जी कि वैसे तो मिलेट राजस्थान गुजरात वगैरह में होती हैं, पर ये वाली 5 मिलेट जो डॉक्टर खादर बताते हैं सिरी धान्या मिलेट, ये शायद अभी नहीं होती हैं। अभी किसान वगैरह जो है वो उगाना शुरू कर रहे हैं, तो 1-2 साल में वहां से लोकली भी मिलनी शुरू हो जाएंगी। तो अभी फिर आप मिलेट कैसे मंगवाते हैं, कैसे आपने ये शुरुआत की, मिलेट की कैसे शुरुआत की, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि सर, कहाँ कैसे आप मंगवाते हैं, और दूसरा ये मिलेट को किस तरह से बना के खाते हैं, थोड़ा इस बारे में बताएं जी। सर मिलेट मंगाना तो बहुत दिक्कत की बात है, क्योंकि हम फ्लिपकार्ट से जो मिलेट मंगाया था पहली बार, उसमें पहले जी हमने जो मंगाया था उसमें ब्राउन टॉप की जगह पर प्रोसो मिलेट डाल दिया था। इसलिए अब हाँ हमने बेंगलोर से श्री धानिया ही लिखा हुआ एक प्रोडक्ट है उसे मंगाया, और वो बहुत सही मिलेट आया। अच्छा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और जो मिलेट हमने बेंगलोर से मंगाया था, मगर वहां से यहाँ पहुंचाने में जो खर्च है ना वो थोड़ा ज्यादा आ जाता है, इसलिए हमें नजदीक से मिलेट मिले ने तो अच्छा रहेगा। जी। अभी ये थोड़ी दिक्कत है मिलेट में, क्या है कि जैसे मैंने बताया मिलेट अभी किसान जो पंजाब हरियाणा गुजरात इस तरफ उत्तर प्रदेश वगैरह में भी अभी उगाना शुरू कर रहे हैं, और ये एक बार एक साइकिल बनेगा, थोड़ा उगाएंगे किसान, उसको मार्केट में लेके आएंगे, लोगों तक पहुंचाएंगे, तो 1-2 साल का ये साइकिल लग सकता है इसके अंदर पूरा होने में। तो उम्मीद है 1-2 साल के अंदर हमें ये लोकली भी इजीली मिलने शुरू हो जाएंगे, थोड़ा रेट भी कम होगा और आसानी से सब जगह पे उपलब्ध हो जाने चाहिए। जैसे ज्वार बाजरा वगैरह हमें मिल ही जाता है पहले से ही, तो इस तरह से भी ये मिलेट आने शुरू हो जाएंगे। पर तब तक हमें जी जो ऑनलाइन कुछ माध्यम है या जो कुछ सेलर्स हैं जो कि पूरे भारतवर्ष में जो है वो भेज देते हैं कुरियर से, वो है उसमें एक और मैं सलाह देना चाहूंगा हमारे व्यूअर्स को, वो ये कि जैसे सोलंकी जी बता रहे हैं कि मंगवाने में दिक्कत होती है, महंगा भी पड़ता है, उसमें आप एक काम कर सकते हैं कि आप मिलेट को आटा वगैरह मंगवाने की बजाय, जिसका कि शेल्फ लाइफ कम होता है, आप उसको अनपॉलिश्ड ग्रेन फॉर्म में मंगवाएं, उसकी शेल्फ लाइफ 3-1 महीने होती है अनपॉलिश्ड की, और उसको आप चाहें तो फ्रिज में रखें, कांच के बर्तन में कंटेनर में डाल के या प्लास्टिक वाले में भी डाल सकते हैं अगर कांच का नहीं हो पा रहा है तो, और उसके या पैकेट के अंदर, और वो आप फ्रिज में रखें तो उसकी शेल्फ लाइफ थोड़ी सी और एक्सटेंड हो जाती है, बीच बीच में आप उसको निकाल के धूप लगवा सकते हैं और फिर उसकी शेल्फ लाइफ आपकी 4 से 5 महीने 6 महीने तक आपकी एक्सटेंड हो जाएगी। तो आप इकट्ठा मंगवाएंगे तो आपको कुरियर के चार्जेस कम पड़ेंगे, जैसे आपने 10-15 किलो एक साथ मंगवा ली तो आपको थोड़ा सा उसमें जो रेट कम पड़ सकता है, तो अभी तो आप यही कर सकते हैं। बाकी सेलर्स वगैरह की लिस्ट भी हमने डाली हुई है, तो उन सेलर्स से आप बात करके जहां से आपको उचित लगे नजदीक हो आपके वो आप मंगवाएं, और हमेशा जो है वो अनपॉलिश्ड डी हस्क्ड मिलेट लेनी है। डी हस्क का मतलब जो मिलेट के ऊपर छिलका होता है भूरे रंग का, ड्राई जो छिलका होता है वो उतरा होना चाहिए, लेकिन अनपॉलिश्ड होनी चाहिए वो मिलेट, जो आपके लिए स्वास्थ्य के लिए बेहतर है। जी जी सोलंकी जी, अच्छा लगा सर जानकर। और उसमें अभी आप कितनी देर से ये डाइट फॉलो कर रहे हैं, आपने 3-4 महीने बताया कि 3-4 महीने के बाद आपका ये जो है नॉर्मल होना शुरू हो गया था, तो अभी अभी भी आप ऐसा ही डाइट ले रहे हैं डीआईपी जिसमें प्लांट बेस्ड डाइट है और साथ में मिलेट, ऐसा ही अभी आप डाइट लेते हैं, या उसके बाद आपने कुछ और बदलाव किए अपनी कंडीशन नॉर्मल होने के बाद? अब मैं पहले 12 बजे तक फ्रूट लेता हूँ, इसके बाद मैं मिलेट मिलेट लेता हूँ, स्लॉट लेता हूँ, इसके जी बाद आधा घंटा 1 घंटे के बाद मैं मिलेट लेता हूँ। मैं मिलेट अम्बली के रूप में बना के लेता हूँ सर। अच्छा, मैं मिलेट की तो आप जो मिलेट है वो अम्बली फॉर्म में तीनों टाइम लेते हैं या एक टाइम अम्बली फॉर्म में लेते हैं बाकी टाइम किसी और तरीके से लेते हैं? अभी आप मिलेट किस तरीके से ले रहे हैं ये थोड़ा बताएं। पहले मैं 12 बजे तक तो सर फ्रूट लेता हूँ, डिनर में मिलेट ले लेता हूँ, और शाम को भी मैं स्लॉट लेने के बाद डिनर में मिलेट ही ले लेता हूँ अम्बली के रूप में। अच्छा, जी ओके। तो इसमें इसमें एक चीज बताएं सोलंकी जी कि आप अभी मिलेट वगैरह या जो ये डीआईपी डाइट मिलेट है ये आप ही ले रहे हैं या आपके परिवार में बाकी लोग भी ले रहे हैं, इसके बारे में बताएं, उनको भी कोई फायदा हुआ या नहीं हुआ अभी? सर अभी तो मैं अकेला ही ये कर रहा हूँ, मगर सबको मैं चालू करवाऊंगा धीमे धीमे।
जी, अच्छी बात है, अच्छी बात है। क्योंकि मुझे तो शुगर की क्योंकि प्रॉब्लम थी, इसलिए ही मैं इसकी शुरुआत की है, मगर धीरे धीरे जी धीरे अब मैं घर में शुरू करवा दूंगा। नहीं, अच्छी बात है सर, अच्छी बात है। क्योंकि देखिए क्या है कि अगर आप जीता जागता प्रमाण है इस चीज का कि अगर हम सही खाना खाएं तो हम अपने आप को स्वस्थ ही नहीं रख सकते, पर ये है कि हमारी कोई ऐसी कंडीशन भी है तो उसको भी हम ठीक कर सकते हैं, और ये खाना जो है सही खाना है हमारा, उसमें हेल्प करता है। तो ये अच्छी बात है सर, आप जीता जागता प्रमाण है, और मुझे उम्मीद है कि आपके जो नजदीक में है, परिवार में है, उनको भी आपसे जो है वो प्रेरणा मिलेगी, और उनको भी आगे इससे जो है वो मदद मिलेगी। और जैसे कि आप ऑलरेडी सीख चुके हैं, आप ऑलरेडी अपने जीवन में इस चीज को उतार चुके हैं, तो आप प्रमाण तो है ही, इसके साथ ही आप बाकी लोगों के लिए प्रेरणा है कि कैसे इस चीज को आप गांव में रहकर भी ये चीज कर सकते हैं। इतना आसान नहीं रहता, जैसे आपने बताया कि कई बार फ्रूट इतने नहीं मिलते, या वेजिटेबल्स वगैरह सारा कुछ आप लोकली लेते होंगे वहां से, मिलेट वगैरह भी पहुंचना मुश्किल है। तो ये बहुत अच्छी अच्छा आप जो है उदाहरण है सर बाकी सबके लिए कि कैसे आप ऐसे रिमोट जगह पे या गांव वगैरह में भी रहकर जो है इस तरह की डाइट को, इस तरह के जो जीवन शैली है उसको आप फॉलो कर सकते हैं। बहुत बढ़िया लगा सर ये और जानकर। सर मैं हाँ आपको यह बताता हूँ कि गुजरात में 5% लोग ही इस मिलेट को जानते हैं, और हमारे यहाँ तो 2% को भी मालूम नहीं है श्री धनिया मिलेट के बारे में। जो 5 मिलेट आता है ना, उसके बारे में किसी को कम पता है। जी है, तो हमारे ये पुरातन अनाज, ये अनाज कोई नए अनाज नहीं है। ये हुआ ये है कि पिछले पिछले 50 से 100 सालों में हमारी फसल बदल गई है, हम लोग जो खा रहे हैं वो बदल गया है, हम जो उगा रहे हैं वो बदल गया है, तो इसीलिए हम इन अनाजों को भूल चुके हैं। वरना भारत में ही नहीं पर बाहर भी अगर हम देखें तो ये अनाज जो है वो चीन में, इटली में, जापान में, अमेरिका में, वहां पर भी ये अनाज जो है ये मिले, यही मिले जो है वो वहां पे भी उगाए जाते थे, वहां पे भी लोग खाते थे। पर ये हुआ ये है कि पिछले कई सालों में ये सारा का सारा जो है वो बदल गया है, हम इन अनाजों को भूल गए हैं। तो इसमें थोड़ा समय लगेगा, और जैसे डॉक्टर खादर वली जी ने जो जो ये मूवमेंट इतना बड़ा शुरू किया हुआ है, श्री धान्या मूवमेंट, और जिस तरह से वो लोगों को एजुकेट कर रहे हैं, तो ये अच्छी चीज है। थोड़ा समय लगेगा लेकिन परिवर्तन होना शुरू हो गया है, लोग इसकी इसकी जानकारी ले चुके हैं, इसको आगे अपने जीवन में उतार रहे हैं और उसका फायदा उठा रहे हैं। तो और सबसे बड़ी बात मिलेट के बारे में ये भी है, जैसे कि हम लोग जानते ही हैं जो ये बाजरा वगैरह उगाते हैं किसान, कि इसको पानी की कम कम जरूरत पड़ती है, इसको इसको खाद वगैरह या पेस्टिसाइड वगैरह की कम जरूरत पड़ती है। तो ये किसानों के लिए भी बढ़िया है, ये हमारे इन्वायरमेंट के लिए भी बढ़िया है, और इसीलिए जो डॉक्टर खादर जो इस चीज को बताते भी हैं कि ये हमारे ये इकोलॉजी और इकोनॉमी दोनों के लिए बहुत बढ़िया चीज है। स्वास्थ्य के लिए तो है ही, परंतु हमारी इकोनॉमी, इकोलॉजी, सब एनवायरनमेंट के लिए ये बहुत बढ़िया चीज है अगर हम इस तरह की फसल को उगाएं, और किसान भी इससे बहुत बढ़िया लाभ ले सकते हैं। जी, तो सोलंकी जी, इसके अलावा और कुछ आप जानकारी देना चाहेंगे, कोई और चीज आप बताना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को सर? सर मैं यह कहता हूं कि सिर्फ जो खादर वाली सर को और डॉक्टर विश्वरूप सर को जो फॉलो करें ना यूट्यूब से, वो स्वस्थ हो सकते हैं और निरोगी रह सकते हैं। मैं यही कहना चाहूंगा। और मैं ये भी कहना चाहूंगा, आपने जो हिंदी में डबिंग करके हम तक जो वीडियो, उसे आपने गुरु के रूप में काम किया है, इसलिए। और जो विश्वरूप सर है और खादर वली सर है, इसके बारे में मैं एक टिप देना चाहूंगा कि जो अपनों के लिए खुद के लिए करता है उसे दुर्योधन कहा जाता है, और जो अपने सगा संबंधी के लिए काम करते हैं उसे युधिष्ठिर कहा जाता है, और जो लोग सारे विश्व के लिए काम करते हैं उसे भगवान कहा जाता है। वाह, क्या बात है, क्या बात है सर, बहुत अच्छा लगा जानकर। नहीं, आपने सही सही कहा सर, ये लोग अपने 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 हित को पीछे रखकर जनहित की बात करते हैं। ये लोग ऐसे लोग हैं जो कि मार्गदर्शक हैं, और इन्होंने अपनी जो जो रिसर्च है, अपनी जो जानकारी है, जो कि इतनी वैल्यूएबल है। देखिए, सेहत सबसे बड़ी चीज होती है, जान है तो जहान है। तो इन लोगों ने, डॉक्टर खादर वली हैं, विश्वरूप जी हैं, बीवी चौहान साहब हैं, इन लोगों ने ऐसी पद्धतियां, जीवन शैलियां जो निकाली, उनको एक्सपेरिमेंट किया, लोगों के ऊपर उस चीज को अप्लाई किया,
तो ये भगवान से कम नहीं है सर, बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत बढ़िया जी जी सोलंकी जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा सर, बहुत प्रेरणादायक आपकी कहानी है, और ये हम सारे व्यूअर्स को जो है इसको पहुंचाएंगे, और मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत सारे लोग जो है इससे प्रेरणा लेकर अपने जीवन में, अपनी जीवन शैली में बदलाव लाएंगे और अपने खान पीन को जो है वो सुधारेंगे और उनसे फायदा उठाएंगे। तो सोलंकी जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय निकाला, तो हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद सोलंकी जी। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद सर।